मैम आखिरी बार आप कब मिले थे सिद्धार्थ से, कुछ आपकी याद है? मैं, मेरा तो सिद्धार्थ तो मेरा भाई है, मेरी तो बहुत यादें जुड़ी है, बहुत। मेरे तो हर वीडियो के लिए उन्होंने बाइट्स दी है। हम साथ में ही जिम करते थे, 48 फिटनेस में। बहुत साथ में ही जिम हम करते थे, हाँ वो 48 फिटनेस में। हमेशा मैंने इतना डाउन टू अर्थ कोई एक्टर देखा नहीं, हमेशा आता था, हम लोग साथ में खाते थे, साथ में जिम करते थे, सोनू सूद, मैं, सिद्धार्थ। मैं सिद्धार्थ, जैसे मैं सेंटा में हाईएस्ट फोटो से जीत के आई थी, तो जब भी फ़ोन आते थे मुझे बालिका वधू के सेट से कि अरे हम लोगों को के पहुँचे नहीं है, मैं फ़ोन करती सिड कहाँ है, तो सिड हमेशा कहता था कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई बट मैं पहुँचने वाला हूँ राखी। ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय और वेरी हम्बल, वेरी नाइस। कभी किसी को ऊंची आवाज़ से बात नहीं की होगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। इतनी अच्छी माँ का इतना अच्छा बेटा था, मुझे वो दिन याद आ रहा है। मेरे जिम के हम साथ में वर्कआउट करते थे। मैंने दुनिया से कहा था कि सीड को वोट करो जब वो बिग बॉस में गए थे, और वो जीत गया तो बहुत खुशी हुई थी। आई इज अ रियल विनर, सिर्फ बिग बॉस में नहीं, उन्हें उस सीड ने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी किसी का दिल दुखाया होगा। आई रिमेम्बर हिम, आई रिमेम्बर हिम। दो दिन तो मैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मतलब इतना दर्द ले जो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी लॉकडाउन के बाद। मैं लॉकडाउन के बाद नहीं मिली थी, मैं बिग बॉस में ही मिली थी जब वो हमारे सीजन में आए। मेरे तो हम एक दूसरे को तो 15-20 साल से जानते, मैं आखिरी बार नहीं मिली थी। पता नहीं था ना, किसको क्या मालूम था, सबका बिजी शेड्यूल रहता है ना। मैं भी, मेरा भी शेड्यूल बिजी था ना। आखिरी बार मुझे मिलने नहीं मिला। वही सिर्फ वो जो यादें, याद आती है, सिर्फ यादें ही और कुछ नहीं है। सॉरी। अरे जाने तो जाने। Thank you.